कि क्रिश्चियन लोग हैं ना, ये हिंदू लोगों को बरगला करके, फुसला करके, लोभ दे करके, लालच दे करके, उल्टी सीधी बातें करके आज भारत में तरीके से तेजी से धर्म परिवर्तन का काम चल रहा है। इतना किताब मेरे को दिए थे, कहे थे लोग कि इस किताब को अपमानित भी नहीं करना है, मैंने कहीं बिगना भी नहीं है जी। तो मेरे मन में आया कि मेरा परिवार, मेरे जीवन संगनी जब खत्म हो गया, चली गई, तो ये किताब क्या रह करके करेगा। पूरी तरह से भड़काए थे, इसको अपमानित नहीं करना है तुमको, नहीं तो और बर्बाद हो जाओगे। अच्छा, मैं ले जाकर के सारा किताब जाल दिया, जला डाला जी जी। जब मेरा जिंदगी खत्म हो गया तो इसको रहने से क्या फायदा। इंडियन लॉ के मुताबिक क्या धर्म परिवर्तन करना अपराध है? अगर तो अपराध है तो मुझे अरेस्ट करो, अगर अपराध नहीं है तो मैं तुझे, जो मुझे लॉ के मुताबिक चलने से रोक रहा है, मैं तुझ पे कार्रवाई करवा सकता हूं और पुलिस को उस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको पता है ये बात? यहां तक कि अगर आपके ऊपर कोई पुलिस वाला भी इस विषय पे केस करता है कि आप लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, तो उस पर भी केस बनता है, उसको सस्पेंड किया जाता है। ऐसा हुआ है गुरदासपुर में, जहां हमारे लोगों को पकड़ के लेके गए और बोला कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, वो पुलिस वाला जो पकड़ के लेके गया वो सस्पेंड हुआ। क्योंकि आपको अगर लॉ की नॉलेज है, आपको यह मालूम होना चाहिए कि धर्म परिवर्तन करना अपराध नहीं, लालच देकर धर्म परिवर्तन करना अपराध है। और लोगों को मालूम है हम लालच नहीं देते, आपको भी मालूम है, हाँ या ना? अगर कोई ये बोलता है कि तूने लालच देकर धर्म परिवर्तन किया है, उसको बोलो प्रूफ कर, अगर तू प्रूफ नहीं कर पाया तो हम तुझ पे एक्शन लेंगे। अभी वो डर जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। कोई बंदा प्रूफ नहीं कर पाया जैसा